वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं अमरथिंग टेक। दोस्तों जिस तरीके से आप लोगों को मेरा ये पल्सर 180 का ग्रैबल इंस्टॉलेशन का वीडियो बहुत अच्छा लगा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरीके से आप लोगों को मेरा ये हैंड मेड टिल्ट एडी का वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने इस होम मेड टिल्ट एडी को कैसे बनाया है और किस तरीके से इंस्टॉल किया है। इससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली है इस तरह के दो लोहे की पत्तियों की। ये आपको किसी भी बाइक के स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे मिल जाएगा। ये जो लोहे की पत्ती आप लोग दिख रहे हैं, ये बाइक में डिग्गी वगैरह जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये काम आती है। ओके, तो उसमें मैंने ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक हॉल है और हॉल को मैंने कुछ थोड़ा सा चौड़ा करके इस तरीके से कट कर लिया है और इसमें मैंने इंडिकेटर इंस्टॉल कर लिया है और इंडिकेटर का वायर थोड़ा लंबा करके यहाँ भी एक मैंने दूसरा हॉल किया है और इसे वायर को निकालते हुए ये टूटे हुए इंडिकेटर के नट बोल्ट में इस तरह से सेट कर लिया है। ओके, वायर कट करके आपको बीच में थोड़ा सा वायर भी अटैच करना पड़ेगा। ओके, इसी तरीके से हम इन दोनों को कर लेंगे, दो हैं ये देख सकते हैं। और अब इन दोनों को इस तरह से जोड़ने के लिए हमें एक चार से साढ़े चार से पाँच इंची का एक नट बोल्ट चाहिए जिसमें तीन नट हो। तो मेरे पास वो तो नहीं है लेकिन उसकी जगह पर मैं ये इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने स्केट से निकाला, एक खराब स्केट था उसमें से मैंने निकाला है और ये इस तरह से मैं इसमें अटैच कर दूंगा। ओके, चलिए कर देता हूँ मैं इसको। एक्चुअली मैं ये पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला था लेकिन मेरा लैपटॉप खराब हो गया जिसमें मेरा सारा डाटा था और उसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। मैं इसकी वीडियो लगभग पूरी बना चुका था और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ उसमें थे, बहुत सारा डाटा उसमें था जो हार्ड डिस्क क्रैश होने की वजह से सब खत्म हो गया। इसको टाइट करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इस तरह के आयरन की लोहे की पत्ती की। ओके, और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बैंड कर लिया है और इनमें ये देखिए चार होल है, एक दो तीन और एक ये चार होल, और इसमें दो पेंच मैंने लगा दिए हैं, दो स्क्रूज लगा दिए हैं। ये देखिए एक होल, दूसरा होल, तीसरा और चौथा, ये चार होल हैं। और जब हम इसको बैंड करेंगे तो थोड़ा सा हमें इसे ये देखिए ये आगे से थोड़ा ज़्यादा है और पीछे से थोड़ा सा, सॉरी पीछे से थोड़ा ज़्यादा है और आगे से थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है ये, इसको भी थोड़ा तिरछा रखना क्योंकि ये जो पत्ती है इसको भी मैंने यहाँ से देखिए थोड़ा सा बैंड कर रखा है, यहाँ भी यहाँ भी। ओके, अब मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से ये यहाँ पे। इतना करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा लुक बन के सामने आएगा। ओके, अब जो हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसे देखकर आप पहचान ही करेंगे, ये वही एल्युमिनियम की प्लेट है जिसका यूज़ मैंने ट्राइपॉड में किया था। ओके, तो मैंने इसको ऊपर से पेंट कर लिया है और इसमें दो हॉल करके इसमें पेंच लगा दिए हैं और देखिए एक बड़ा सा हॉल ये किया हुआ है और एक छोटा हॉल ये किया हुआ है। ये देखिए, असल में ये इनको मैं इसको पहले ही अपनी बाइक में इंस्टॉल कर चुका था और उसकी वीडियो भी मैं बना चुका था और बस मैं अपलोड करने ही वाला था तभी मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। ओके, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये चार इंच का है और बैक साइड इसका 7.5 इंचीज का है। ओके, और इसको हमने दो इंची का ये जो बैंड किया है मैंने, इसकी चौड़ाई मैंने ये दो इंच रखी है और आगे आके ये डेढ़ इंची का हो जाता है और यहाँ से हाफ एन इंची पर हम इसको थोड़ा सा तिरछा कट कर लेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का लुक आएगा और इस पर हम ब्लैक पेंट कर देंगे तो इस तरह से आएगा। ओके, और इसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आप चाहें तो अगर आपके पास ये एल्युमिनियम की सीट हो तो उससे बना सकते हैं, नहीं तो मेरे पास ये एक आयरन की एक और प्लेट है, ये इस तरीके से है। तो इसमें भी दो हॉल मैंने यहाँ पर किए हैं और पीछे मैंने ये रिफ्लेक्टिंग टेप चिपका दिया जैसा कि आपने बाइकों में पीछे देखा भी होगा। ओके, अब मैं इसको ज्वाइंट करूँगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें काम और करना है, वो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस वायर की सेफ्टी के लिए हमें पीयू फॉर्म चिपकाना है। तो चलिए मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, चार मैंने स्टिक टाइप के पीयू फॉर्म ले लिए हैं और दो मैंने इस पत्ती के बराबर की चौड़ाई के दो ले लिए हैं। ओके, लगभग चार साढ़े चार इंची के हैं ये और मैं यूज़ करने वाला हूँ डबल साइडेड टेप की। इसको मैं कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
देख सकते हैं आप लोग, मैंने दोनों होल इस तरीके से कर लिया। ओके, अब मैं इसके ऊपर आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक हमारे सामने बनके तैयार होगा। चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं अपनी बाइक में। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ओके, ये मेरा रेडी हो चुका है, अब मेरे को बस इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये कैसे इंस्टॉल होगा। ये इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो देखें आप, ये आपकी बाइक में ऑलरेडी पहले से नीचे से होता है सपोर्ट के लिए। ओके, चलिए मैं इस तरीके से लगा लेंगे और अंदर की जो प्लेट है जो अभी हमने लगाया है उसको थोड़ा सा अभी हम ढीला ही रखेंगे। अभी फुल टाइट नहीं करना क्योंकि ये वायर यहीं से ही अंदर निकलेगी। ओके, इसमें भी एक अब हम इन वायरों को ऊपर की तरफ ले आएंगे। वो देख सकते हैं आप लोग, इनमें इसमें एक हॉल ये है और दूसरा हॉल ये है, इसी से ही वो वायर ऊपर की साइड आएंगे। इस तरीके से हम अपने ये वायर ऊपर निकाल लेंगे। अब मैं इस बोल्ट को बिल्कुल टाइट कर लूंगा। ओके, चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इसमें एक ऑटो फाई का हजार्ड लाइट का रिले भी लगा रखा है जिसकी वायर है ये है। ओके, मैं इसको भी इसी में अटैच कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं इसकी जो वायरिंग है, ये ग्रे है और ये ग्रीन है, तो ग्रीन वाला ग्रीन में और ग्रे वाला ग्रे में लगेगा। ये हम ग्रे में लगाएंगे। ओके, इसको मैं ग्रे में लगा देता हूँ, ग्रे के पॉजिटिव पॉइंट में। ये नेगेटिव है, ये पॉइंट नेगेटिव है और ये पॉइंट पॉजिटिव। ओके, तो मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट में इसको लगाऊंगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये वर्क कर रहा है। ओके, रिले भी वर्क कर रहा है, आप फ्रंट इंडिकेटर भी देख सकते हैं। ओके, अब मैं इसकी सीट को भी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मॉडिफिकेशन की वीडियोज लाता रहूंगा और मैं ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूँ। मेरी वीडियोज को देख करके आप लोग भी अपनी बाइक को मॉडिफाई करके एक नया लुक दे सकते, बिल्कुल ही अलग लुक आप अपनी बाइक को दे सकते हैं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नई सोच के साथ, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्ते।